इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सिविल हॉस्पिटल इहाते में एम्बुलेंस यानी हर्ष वैन का आज ओपनिंग रहा, इसकी इफ्तिताह हुई। वाज़ह रहे कि ये बिल्कुल मुफ्त हॉर्स वैन है, यानी कि जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं, बाज़ वक़्त ऐसे हादसात होते हैं कि उनका इंतकाल हो जाता है, लिहाजा गरीब लोग होते हैं तभी तो वो सिविल अस्पताल में दाखिल होते हैं, और दूर दराज से करियों से लोग आते हैं और यहाँ वो जब इस तरह का हादसा पेश आता है तो उन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि उस मैयत को ले जाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं होते। लिहाजा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए रोमन टेक्नोलॉजीज़ के फिरोज जमादार ने सामाजिक खिदमतगार सुरेंद्र अनगुलकर को ये हर्ष वैन यानी एम्बुलेंस दे दी ताकि वो लोगों की खदमात को अंजाम दे सके। इसलिए कि सुरेंद्र अनगुलकर ये एक सामाजिक खिदमतगार हैं और पिछले एक साल से तकरीबन 150 से 200 लोगों को वो हर रोज़ खाना मुहैया करते हैं। उनका कहना है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा काम है, इंसानियत की खिदमत करना ही नेकी और अजर है, और यह बस महज ऊपर वाले का कर्म है कि उसने मुझे ये कुव्वत और ताकत बख्शी है। लिहाजा गरीबों के लिए ये हर्ष वैन बड़ी ही कारगर और खिदमत अंजाम देने के लिए साबित हो सकती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मैं सुरेंद्र शिवाजीराव अनुभव, यहाँ पे 22 अक्टूबर से मैंने 2018 से मैंने यहाँ पे खाना देने का शुरू किया है। यहाँ पे अभी 9 से 10 महीना होने आए, यहाँ पे डेली मैं 150 से 200 लोगों को खाना देता हूँ, और ये मैं नहीं देता, ऊपर वाला या जो मेरे पीछे जो भी शक्ति है वो मुझे ये करने पे प्रोत्साहन देती है और मुझे ताकत देती है, उसी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। ये करने का यहाँ पे रीज़न कैसा है, जो दूर गांव से रामदुर्ग या बैलोंगल या बेलगाम से दूर से जो लोग आते हैं उनको खाना वक्त पे नहीं मिल पाता या फ्रेश खाना नहीं, घर से डब्बा नहीं आ सकता, तो उनको मेरे घर का खाना एक वक्त का तो मुहैया हो, ये वजह से मैंने यहाँ पे शुरुआत की है। और ऊपर वाले की ताकत से वो आज तक बिना स्टॉप हुए शुरुआत है। यहाँ पे आने के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि दर्द, एक कोई भी दर्दनाक हादसा जब होता है यहाँ पे, किसी की मौत होती है, तो वो लोग दर्द में रहते वक्त भी उनको जाते वक्त कई बार पैसों की कमी की वजह से बहुत सा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैंने आज फ्री शववाही का शुरू करने का संकल्प लिया है, और ये पूरे बेलगाम सिटी के लिए मैं फ्री शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी को भी अगर ओपनिंग का उसके मेरा जो नंबर है उसके ऊपर कॉल करके वो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं और टोटली फ्री में बेलगाम को सुविधा पहुँचाई जाएगी। और उसके बावजूद अगर किसी को यहाँ पे अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है तो कभी भी यहाँ पे आके बर्थडे सेलिब्रेट या एनिवर्सरीज या अपने जो इंतकाल होने के बाद में जो पेपर में वगैरह देते हैं उसके बदले यहाँ पे अगर आज दिन, तो इनकी जो दुआ है वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी, वो हमेशा उनके साथ और उनके अगली पीढ़ी तक चलती रहेगी। इसीलिए अन्नदान कीजिए या कहीं पे भी ज़रूरतमंद कोई दिखे तो उसकी मदद कीजिए। धन्यवाद। टेक्नोलॉजी जो बेलगाम का रोमन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये पूरी गाड़ी स्पॉन्सर की है, उसके लिए हम लोग इनके से शुक्रिया। आज जो यहाँ पर एक एम्बुलेंस की ओपनिंग हुई है, इससे हमारे बेलगाम के उन नागरिकों को बहुत सारी मदद मिलने वाली है जो नागरिक
अपने किसी पेशेंट को यहाँ पे डेथ होने के बाद घर लेके जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं रहता है या उनके परेशानियाँ ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये आज जो सर्विस इधर चालू है ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। जो सुरेंद्र ने आज जो किया है ये एक निष्काम भावना से जो भी किया है, एक निष्काम भावना से उन्होंने किया है। यहाँ पे खाना बांटना या मरीजों के लिए जो भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे लोग होने की वजह से आज बेलगाम में ऐसी कुछ एक्टिविटियाँ हो रही है जहाँ पे बेलगाम का कुछ डेवलपमेंट हो रहा है।